फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आप देख रहे हैं ब्लूटूथ ऑपरेटेड सैनिटाइजेशन रोबोट। सो इस प्रोजेक्ट टॉपिक को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पावर सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर, आर्डिनो यूनो बोर्ड, ब्लूटूथ मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, मोटर ड्राइवर सर्किट, डीसी मोटर, रोबो व्हील्स और यूवी ट्यूबलाइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, टीम लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो सॉफ्ट सिस्टम्स पुणे आपके लिए लेके आए फिर से एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट टॉपिक्स है, ये प्रोजेक्ट टॉपिक्स हम जो भी कोविड हॉस्पिटल्स होते हैं या बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं वो स्कूल्स को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक रोबो स्ट्रक्चर्स हमने बना लिया है, मैकाट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट टॉपिक्स है। एक्चुअली इसमें ये जो रोबो स्ट्रक्चर्स है, रोबो स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली हमारे हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूवी लाइट्स के माध्यम से पूरा का पूरा वो रूम सैनिटाइज करने की अहमियत रखता है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट्स है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस यूवी लाइट के माध्यम से, यानी अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स है, ये अल्ट्रा वायलेट इमिट्स करते रहेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट ही ट्यूबलाइट से इमिट्स होते रहेगा, और सारा के सारा रूम अगर वहाँ पे किसी ने छींक दिया है तो हमें पता नहीं, वो कोविड का पेशेंट भी हो सकता है या किसी का ज़्यादा टेम्परेचर हो, कुछ चेयर्स पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर भी उसका संपर्क आ सकता है, हाथों का संपर्क आ सकता है। सो दैट्स वाई ऐसी चीज़ें हमें सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जो हमारे जो डेली वाले जो हम लिक्विड सैनिटाइजर आज तक जो देख रहे थे, तो उससे हमें एक्चुअली बार बार वो कंज्यूमेबल आइटम्स होने की वजह से उसमें से वो सैनिटाइज कंज्यूम्स होते रहता है, हमें बार बार उसके ऊपर पैसा खर्च करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये यूवी ट्यूबलाइट्स तो पूरी तरह से आपको फ्री में इस्तेमाल करते आएगी, बस थोड़े इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक चल सकती है। 11 वाट का ये ट्यूबलाइट्स है, अगर आपने इसको साल भर भी यूज़ किया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6 यूनिट्स पूरे साल भर में कंज्यूम्स करेगी, यानी आपको नहीं के बराबर इसमें पैसा आपका लगेगा। सो दैट्स वाई इससे सैनिटाइज करना कभी भी बेटर हो जाएगा। सो दैट्स वाई लिक्विड सैनिटाइजर्स ना यूज़ करते हुए हम अगर रूम सैनिटाइज के लिए इस प्रकार की यूवी ट्यूबलाइट से रूम सैनिटाइज करवा लेते हैं तो ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रो सॉफ्ट सिस्टम्स ने ये पूरा रोबो स्ट्रक्चर बना लिया है। तो चलो चलते हैं इसके थोड़े से कंपोनेंट डिटेल्स की ओर, एंड देन मैं आपको इसका टेक्निकल डिटेल भी बताता हूँ और जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। सो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना चाहिए। सो दैट्स वाई मैं यहाँ सर आपको पहले कंपोनेंट डिटेल से देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का एक फ्रेम्स बना लेना होगा। ये जो फ्रेम्स है, ये मेरा बोर्ड हमारा 1.5x1 का फ्रेम्स है, यानी 1.5x1 का आप इस प्रकार से फ्रेम्स बना लीजिएगा। साथ में जो भी हमें चीज़ें सैनिटाइज करनी होती है, लोगों का हाथों का संपर्क जो आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 इंच, यानी मेरा बोर्ड हमारा 2.5 फीट तक आता है। सो दैट्स वाई मैंने 32 इंच का एक खड़ा स्ट्रक्चर भी बना लिया है और उसको यहाँ पे बराबर 11 वाट का यूवी ट्यूबलाइट्स लगा दिया है। तो ये फ्रेम्स आपको कोई भी बेल्ट के दुकान में थोड़ा सा माउंट्स आप इसको करवा ले सकते हो। सो 1x1.5 का ये फ्रेम्स आप माउंट्स करवा ले सकते हो, और साथ में इसको आपको वेल्ड करवाने ये चक्के और पिछले साइड में ये चक्कों के क्लैंप्स वेल्ड करवा के मोटर भी आपको इसमें एक्चुअली लगा देने हैं। सो पहले तो आपको फ्रेम्स बनाना है, फ्रेम्स बनाने के बाद में आपको ये चक्के वेल्ड करवा लेने, चक्के के क्लैंप्स, एंड देन नाउ हमको वे इसको लगा देने मोटर, जो कि 12 वोल्ट के डीसी मोटर से यहाँ पे नीचे छुपे हुए हैं, वही इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आते हैं। सो दैट्स वाई 12 वोल्ट के डीसी गेट मोटर, नियर अबाउट 60 RPM के मोटर आप इसको लगाएगा, ताकि अच्छी तरह से ये प्रोजेक्ट रोबो रियल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसको हमने बैटरी भी यूज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको 230 वोल्ट एसी देना ही था, तो दैट्स वाई हमने ट्रांसफार्मर वाइज करवा लिया, यानी बैटरी भी यहाँ पे ख़त्म होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी बिजली आती है तो बिजली के ऊपर इसे चला सकते हो और पूरी तरह से कॉलेजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स सैनिटाइज करवा सकते हो। सो मैं आपको फिर से इसके कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। एक्चुअली ये फ्रेम्स लेना है, ये चक्के लेने हैं, मोटर्स लेने हैं, मोटर के साथ में आपको एक ट्रांसफार्मर लगेगा इसको ड्राइव करने के लिए, तो ये पावर सप्लाई बनाने के लिए। तो दैट्स वाई मैं 230 वोल्ट 12 वोल्ट का एक 3 एम्पेयर का ये भी ट्रांसफार्मर मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। साथ में ये सारे कंपोनेंट बैठाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लकड़े का प्लाई का इस्तेमाल करवा लिया है, ताकि कोई भी प्रकार के शॉक्स यहाँ पे ना लगे। सो दैट्स वाई शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे हमने ये लकड़े के प्लाई लगा दिया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने माउंट किया हुआ है एक 12 वोल्ट का एंड 5 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई हमें आगे जाके काम में लेना है। तो ये दोनों पावर सप्लाई जो है, यहाँ से जो 230 वोल्ट एसी हमें इसे देंगे तो 12 वोल्ट एसी ये बनाएगा ट्रांसफार्मर, उस 12 वोल्ट एसी का यहाँ पे 12 वोल्ट
डीसी में बनाने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर डाला हुआ है, उसको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर डाला हुआ है, और कांस्टेंट पावर आउट देने के लिए 7812 और कांस्टेंट पांच वोल्ट देने के लिए 7805 तरह के हमने इसमें ऐसी यूज किए हुए है। सो ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट जाएगा हमारा सीधा इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को, जो कि आर्डिनो एटमेगा 328 का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। इसको 12 वोल्ट देने के बाद में इसमें ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट का अरेंजमेंट क्या होता है, एक 7805 जैसे इसमें वोल्टेज रेगुलेटर डाले होते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर के 7 और 8 नंबर के पिन को कॉन्स्टेंट 5 वोल्ट देने के लिए एबल टू होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस माइक्रो कंट्रोलर के 7 नंबर के पिन को VCC और 8 नंबर के पिन को ग्राउंड मिलने के बाद में ये माइक्रो कंट्रोलर काम करने के लिए एबल टू हो जाएगा। सो इसमें हमने इस प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर भी लगना है, और साथ में लगने वाले हमको EL29 3D सर्किटरी, जो कि मोटर ड्राइवर IC है, और साथ में लगेगी रिले, जो रिले हमें इस लाइट्स को ऑन ऑफ कर देगा, और एक 11 वेट का UV लैंप, और साथ में इस UV लैंप का इधर एक चोक भी आपको दिख रहा होगा, ये भी इसमें लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको ना चलाएगा नहीं तो ब्लास्ट होने की बहुत सारी संभावना होती है दोस्तों। सो दैट्स वाई कभी भी इसके लिए मार्केट्स में 28 वैट 11 वैट के चोक्स मिलते हैं, वो लगा के इसको आपको चलाना होगा, अदरवाइज ये लैंप्स ब्लास्ट होने की संभावना है। थोड़ी आपको सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा AC के ऊपर प्रोजेक्ट है। तो चलो, मैंने आपको इसके सारे कंपोनेंट भी बता दिए। सो कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, EL293 जैसे ICs है, IC ड्राइवर सर्किटरीज है, Arduino बोर्ड्स है, रिले मॉड्यूल है, और साथ में फ्रेंड्स इसको हमें करवाना है ब्लूटूथ बेस ऑपरेट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे वायरलेस ऑपरेशन लेना है, क्योंकि उस रूम में जहाँ पे सपोज ना कोविड पेशेंट सभी जिसके ऊपर उपचार चल रहे हैं, उस रूम को भी हमें सैनिटाइज करवाना है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक हम रोबो अंदर भेज देंगे और उसे हमारे ब्लूटूथ ऐप से कंट्रोल्स करेंगे, ताकि ये पूरा के पूरा वायरलेस ऑपरेशन हो सके। सो इस प्रकार से इसमें हमने सारे के सारे कंपोनेंट भी समझा लिए है, अब थोड़ा इसके टेक्निकल डिटेल्स समझा लेते हैं। सो ये 12012 का एक ट्रांसफार्मर है, आपको ये लेना होगा, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई लेना होगा, EL293 जो है वो भी 12 वोल्ट DC का इसे सप्लाई देना होगा, और उससे हमें चला लेने होंगे हमारे मोटर्स। और ये जो Arduino बोर्ड है, इसमें BCD पोर्ट दिए होते हैं फ्रेंड्स। सो बी पोर्ट्स पूरी तरह से डिजिटल है, सी पोर्ट एनालॉग है, डी पोर्ट डिजिटल है। सो मैंने डी पोर्ट से ये सारे 0101 के सप्लाई ले आ चुका हूँ मैं मेरे EL293 सर्किटरी को। EL293 सर्किटरी को अगर आपने 01 दिया तो मोटर क्लॉकवाइज फिरेगे, 10 दिया तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज फिरेगे। फिर से बताता हूँ, 01 दिया तो मोटर क्लॉकवाइज फिरेगे, 10 दिया तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज फिरेगे। यानी इसको हमें इस प्रकार के दो मोटर्स घुमाने के लिए हमें 4 सिग्नल देने होंगे, 01 पहले मोटर्स को, 01 दूसरे मोटर्स के लिए, 10 पहले मोटर के लिए, 10 दूसरे मोटर्स के लिए। तो इस प्रकार के 4 सिग्नल से चारों वायर में से इस EL293D सर्किटरी में आएंगे, और वहाँ से DC गियर मोटर को हम वायर्स लेके जाएंगे, तो ही ये प्रोजेक्ट रन हो सकता है, अदरवाइज नो। तो हमने वही किया हुआ है यहाँ पे, उस प्रकार के 01 01 10 10 प्रकार के 4 अलग अलग सिग्नल से यहाँ पे लेके आए, और उसे हम इस मोटर्स को ड्राइव करने के लिए EL293D में से जो मोटर्स के सर्किटरी होते हैं, जहाँ पे मोटर्स लग सकता है, उसका अलग से सप्लाई देके इसमें काम करवा लिया है। और साथ में एक रिले जो है, रिले मॉड्यूल्स को हम ब्लूटूथ से, यानी ब्लूटूथ का एक ऐप हमने बना लिया है, तो ब्लूटूथ के उस ऐप से हम हमारे एंड्रॉयड मोबाइल से इस रिले को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये यूट्यूब लाइट्स ऑपरेट्स कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप इस रोबो के माध्यम से पूरा रूम, हॉस्पिटल और स्कूल्स कॉलेजेस भी सैनिटाइज करवा सकते हो। अगर आपको कहीं पे गार्डन में सैनिटाइज करवाने तो इस्तेमाल में ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सारा वीडियो समझ रहा होगा। मैं नीलेश वाघ आपको ये सारा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम से। सो फ्रेंड्स, आपको अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट मॉड्यूल परचेस करवाने हैं, तो हम आपको ये प्रोजेक्ट मॉड्यूल भेज भी सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आप दिए हुए नंबर के ऊपर हमें जरूर संपर्क कीजिएगा। DIY किट्स अगर आपको इसके लग रहे हैं, तो भी हम आपको आपके एड्रेस के ऊपर इजीली भेज देंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं है। टेक्निकल गाइडेंस के लिए आप हमारे पूना के ऑफिस में भी आ सकते हो, और संपर्क करके जलगांव में भी एक ऑफिस है, वहाँ पे भी आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अब इसके डेमोन्स्ट्रेशन की। सो फ्रेंड्स, इस रोबो को ऑपरेट करने के लिए मैंने ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करवा लिया है। मेरे एंड्रॉयड मोबाइल में मैंने इसका एक ऐप भी बना लिया हुआ है। ओके, आसानी से आपको ये ऐप समझ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से इस रोबो को कमांड दूंगा, कंट्रोल्स करूंगा फॉरवर्ड, तो रोबो फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसे फॉरवर्ड के लिए कंट्रोल्स करवा रहा हूँ, ये फॉरवर्ड जा रहा है। अगर मैं इसे स्टॉप करता हूँ तो स्टॉप भी हो जाएगा। ओके, मैं इसे रिवर्स ले रहा हूँ तो रिवर्स भी जा सकता है इजीली। इसे मैं स्टॉप करता हूँ तो स्टॉप भी हो जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स, मैं अभी इसका, जैसे कि अभी मुझे उसे रूम में लेके जाना है, और
इसमें ये जो टी ऑन यानी ट्यूबलाइट ऑन और ट्यूबलाइट ऑफ का बटन दबाना है वो भी हो सकता है। अभी मैं इसमें ट्यूबलाइट ऑन करवा चुका हूँ। ये यूवी लैंप्स अभी सैनिटाइज करवाना शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोविड के या अन्य प्रकार के जीवाणु कीटाणु होते हैं जो कि हानिकारक है, हार्मफुल है, तो यूवी लैंप उसे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देगा। यही इसकी वाली सबसे बड़ी खासियत है। मैं इसे ऑफ करवाता हूँ, ज़्यादा करके इसे हमें हमारे शरीर के ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो इसे एक बार लेता हूँ, इसे फॉरवर्ड, देन नाउ ट्यूबलाइट ऑन। ओके, अभी हम इसका ट्यूबलाइट भी ऑन कर चुके हैं और मैं इसे करवाता हूँ ऑफ, देन नाउ इसे लेता हूँ पीछे। इस प्रकार से आप इसका काम कर सकते हो स्टॉप। ओके, आशा करता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो आप देख के हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाएगा और आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी इस प्रकार के वीडियो हो सके तो उन्हें भेजिएगा ताकि उन्हें इस प्रकार का टेक्निकल ज्ञान मिल सके। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।